पुलवामा के शहीदों को आज दी जाएगी आखिरी विदाई। हमले में मरने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 46 हुई। शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद। पुलवामा हमले पर आज सरकार की सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी सुरक्षा बलों, उनके परिजनों और सरकार के साथ। पुलवामा हमले के खिलाफ जम्मू में बंद के दौरान हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगाया गया। डीआईजी समेत 40 जख्मी। राजनाथ सिंह बोले, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने के बाद भारत ने पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को दिल्ली बुलाया। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब कर जैश पर कार्रवाई की मांग की। लॉन्च के अगले ही दिन वंदे भारत एक्सप्रेस में खराबी आई। दिल्ली आते समय तकनीकी खराबी के चलते टुंडला में ट्रेन रुकी। ट्रेन में सवार लोगों को दो ट्रेनों से दिल्ली भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमरजेंसी लागू की। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के मकसद से इमरजेंसी लगाई। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली टीम में लौटे। मयंक मारकंडे को टी20 में मौका। दिनेश कार्तिक वनडे टीम से बाहर।